से हत्या कर दी गई है रिटायर्ड टीचर कमलेश मिश्रा की। निर्मम तरीके से हत्या की गई। सबसे पहले उन्हें चाकू से कूदा गया, उसके बाद उन्हें गोली भी मारी गई है। तो पूजा करने गए रिटायर्ड टीचर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीतापुर से खबर है जहां पर हत्यारों ने कमलेश मिश्रा को गोली भी मारी है। पहले चाकुओं से उनके ऊपर हमला किया गया, बुरी तरह से चाकुओं से उन्हें कूदा गया और उसके बाद उन्हें गोली भी मारी गई है। बसंत हमारे संवाददाता इस एक बार पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बसंत, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं, महोली थाना क्षेत्र में रिटायर्ड टीचर जो कमलेश मिश्रा, इनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या का कारण जो अभी तक पुलिस की बाइट आई उसमें साफ आया कि तंत्र मंत्र करते थे जाकर के रिटायर्ड टीचर थे। संस्थान में एक मंदिर बना था माँ काली का, वहां जाकर के पूजा पाठ करते थे, साथ ही दो तीन और लड़कों को तंत्र मंत्र सिखाते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको तंत्र मंत्र मान रही है और जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कर रही है कि किसने हत्या की है, उसका भी जल्द से जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बसंत, रोकना चाहूंगा। एसपी राकेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और क्या बदमाशों की पहचान अभी तक हो पाई है? देखिए, कल ये कमलेश कुमार मिश्रा है, ये रिटायर्ड अध्यापक है जो तंत्र मंत्र की साधना करते थे। गांव के बाहर एक श्मशान घाट पे मंदिर था, वहाँ ये रोज जाते थे, 7 बजे करीब जाते थे। इनके द्वारा बताया था 11 बजे तक वापस आ जाते थे। कल जब वापस नहीं आए तो लोगों ने जाके देखा तो इनकी बॉडी पड़ी हुई थी मंदिर के थोड़ा पहले और चाकुओं के निशान थे। इनको अस्पताल ले जा रहा था जहाँ डेथ हो गई इनकी। उसके बाद इनके परिवार वालों से बात हुई, परिवार वालों ने रात में ये सूचना करीब 1:15 बजे हम लोगों को मिली। हम लोग रात में ही वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, स्वाट सर्विलांस को लिया, 4 SO लगाया और SP नॉर्थ और CO सभी लोग वहाँ जाकर के हर एंगल से लोगों से बात की, इनके परिवार वालों से बात की गई। इन लोगों ने जो बताया उस हिसाब से इनकी कोई प्रत्यक्ष रंजिश किसी से नहीं है। इनका इनके पास एक मोबाइल था, एक टॉर्च थी, वो सब वहीं पर मिला हुआ। कोई इनके साथ ऐसी भी घटना नहीं है कि कोई लूट हुई हो या कोई इस तरह का लुटेरा कोई इनके साथ घटना किया हो, वो सारी चीजें वहीं पर मिली। और अभी तक कोई ऐसी प्रत्यक्ष बात कहीं से सामने नहीं आई है कि जिसके कारण इन्हें इनकी हत्या रंजिश में की गई हो। एक क्लू हम लोगों को मिला है कि एक लड़के को भी थोड़ा सा भी तंत्र मंत्र सिखाते थे, उसका अपने परिवार से कुछ विवाद है। कुछ परिवार वाले इस तरह से शायद सोच रहे थे कि ये अगर तंत्र मंत्र सीख लेगा तो हमारा हित होगा, इतनी बात प्रकाश में आई है। उस पर हम लोग आगे जी तंत्र मंत्र से कोई मतलब नहीं, आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि क्या हत्यारे का सुराग लगा है या फिर नहीं? नहीं, हत्यारे का सुराग प्रथम दृष्टया जो इन लोगों ने बताया है, इनके परिवार वाले ने, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बाकी कुछ बताया गया राकेश जी? जी, परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ बताया गया राकेश जी? हाँ, कुछ बताया गया है, उसको अभी खोलना ठीक नहीं होगा शायद अब। हाँ, उसको लेकिन है कुछ क्लू दिया गया अभी आधे घंटे पहले, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास भी अभी पूरी जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं जानकारी है? मैं खुद केस को हैंडल कर रहा हूँ रात से, क्यों जानकारी नहीं है? सारी जानकारी मेरे पास है जी। राकेश जी, जो महमूदाबाद में अपहरण हुआ उसके बारे में क्या कुछ अपडेट देंगे आप? अभी 2 दिन बीत चुके हैं, क्या वजह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं? नहीं, कोई वो लड़का लगातार संपर्क में है, उसकी सूचना कल मिली थी शाम को, उसके पिता ने सूचना दिया था कि उनका लड़का जो है चला गया है, घर नहीं लौटा है। तो छुड़वाए क्यों नहीं गया अभी तक राकेश जी इस व्यक्ति को? अरे, हमको सुनिए ना, पूरा सुन लीजिए पूरी। इस सूचना पर इंस्पेक्टर खुद जो है एक टीम लेकर के जहाँ लोकेशन था वहाँ गए हैं। लखनऊ में उसका लोकेशन मिल रहा है। वो लड़का लगातार इंस्पेक्टर से बात कर रहा है, CEO से बात कर रहा है, अपने परिवार से बात कर रहा है। अपना झूठा लोकेशन वो फैजाबाद में दे रहा है जी। लेकिन वो है लखनऊ में। पुलिस वहाँ तक पहुँच गई है, पिन पॉइंट कर रही कहाँ पर है। अभी भी उससे वार्ता चल रही है। बाकी सर्विलांस के जो और टेक्निक है उसके माध्यम से भी हम जानकारी कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? और इसमें हाँ जी, जो मदरसे में युवती मिली थी उस पर क्या कहेंगे जी? उसका भी अपहरण हुआ है क्या? उसका अपहरण नहीं हुआ, सोता गया। उसका पिता खुद बता रहा है कि सोता गया है। वो लड़का जरूर कह रहा है कि मुझको लोग बंधक बनाए हुए हैं। सर, पिता ने कहा कि घर बड़ी हत्या को अंजाम दिया जाता, आखिर क्या वजह है कि पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी असतर्कता देखने को मिलती है जी? राकेश जी, यहाँ पर सुबह सुबह इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, यहाँ पर एक रिटायर्ड टीचर की सुबह सुबह निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। सुबह नहीं हुई है ये घटना, रात की है, कल रात की है।
ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको। एक हाँ कल रात को पूजा करने गए थे 7 बजे, जी और जब 12 बे तक लौटे नहीं तब ये डेड बॉडी वहाँ पाई गई जाने पर। हाँ ये कल रात की घटना है, देखिए सुबह कोई घटना नहीं हुई आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रात की घटना है, लेकिन आखिर क्या जी वजह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर पुलिस को देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह है कि अपराध का ग्राफ लगातार सीतापुर में बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, अपराध घटे हैं और अपराधियों पर बहुत भयंकर कार्रवाई यहाँ हुई है। सात एनएसए राकेश दो जी, मैंने महीना यहाँ से पर मैं आपको हूँ यहाँ तीन पर। अपराध गिना दिए, आप कह रहे सुनिए हैं कि अपराध घटे सुनिए, कैसे? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 7 अपराधियों पर एनएसए लगा है 2.5 महीने के अंतर्गत, और कम से कम 176 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर लगा है। ये बिल्कुल सारे क्रिमिनल हिस्ट्री वाले अपराधी जी, हैं। हाँ शराब पे कार्रवाई की गई है, तमाम असलाह फैक्ट्री बरामद की गई है, हाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राकेश जी, गुंडा मुद्दे पे तीन सौ आइए, आप चौसठ ये सब मत अपराधियों को बताइए, गुंडा कल बनाया रात गया को है। यहाँ कार्रवाई पर हत्या की गई है, 1-1 घंटे का बीत सही, चुके हैं, आखिर अपराधियों क्या को पे वजह है कि कार्रवाई पुलिस करने के में हाथ कोई अभी तक ढिलाई खाली नहीं हो, है। कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है? नहीं, जानकारी है, मैं खुद जानकारी दे रहा हूँ, हमारे अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। तो बताइए सर, सब फिर आखिर क्यों अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किया नहीं जा चुका है? नहीं, आरोपियों को पता लगाया जाएगा, किसी को ऐसे गलत ढंग से गिरफ्तार करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन यहां पर हत्या को तो काफी घंटे बीत चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि पुलिस के हाथ खाली है अभी? पुलिस लगातार काम कर रही है। अज्ञात मर्डर है, उनके घर वाले कोई ऐसा क्लू नहीं दे रहे हैं, ना उनकी जानकारी में है किसी तरह से, और जो क्लू मिल रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, घर वालों का काम नहीं है क्लू देना, ये पुलिस का काम है, आखिर क्या वजह है कि पुलिस पुलिस की अपने तरफ से क्लू अभी पे तक भी कोई कर रही कार्रवाई है, नहीं की जा सकी पुलिस है? अपने क्लू पे कर रही है काम। हाँ, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ तो खाली है, नहीं, खाली नहीं है, कुछ लोग हमारे हिरासत में है, हम कर रहे हैं, तो उसको हम शुरुआती ओपन नहीं कर पूछताछ में सकते और अभी। क्या कुछ प्लीज निकल करके सामने आया, क्या केस के वजह हित थी में हत्या की? उचित जी नहीं होगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी, थैंक यू। तो आपको बता दें कि सीतापुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम को एक रिटायर्ड टीचर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई।